बच्चों बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं DLF मॉल नोएडा में। यहाँ पर हम जाएंगे स्नो वर्ल्ड देखने। आर्टिफिशियल स्नो का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है और हमने स्नो कभी देखी भी नहीं है, तो फिर हम तो बहुत एक्साइटेड थे। और अब हम आ गए हैं अंदर मॉल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और विहान तो यहाँ पे कह रहा था कि स्नो कहाँ है, मुझे स्नो देखनी है, ये तो हम मॉल में आ गए हैं। तो हम उसे समझा रहे थे कि हम मॉल में ही ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे जाएंगे और फिर वहाँ पे स्नो देखेंगे, पर वो कह रहा था कि नहीं, मुझे यहीं स्नो नहीं दिख रही है, कहाँ है स्नो। वो हर समय यही पूछा जा रहा था और हम यहाँ पर चल रहे थे कि हाँ, हम तुम्हें स्नो दिखाएंगे। अब हम फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। ऊपर सबसे ऊपर है ये स्नो वर्ल्ड और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये स्नो वर्ल्ड के लिए खड़े हुए थे। और आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर कितने पीछे लगे हुए हैं लाइन में। और ये देखिए, लाइन लगी हुई है स्नो वर्ल्ड जाने के लिए। और यहीं पर ही गेम पार्लर भी है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें ऊपर जाना है। यहाँ से हम टिकट लेते हैं ऊपर जाकर और यहीं से ही स्नो वर्ल्ड जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे, बहुत मज़े करने वाले हैं। और ये देखिए, यहाँ पे है चेंजिंग रूम। अब हम फाइनली अंदर आ गए थे। यहाँ पे टाइम स्लॉट्स हैं एक एक घंटे के और यहाँ पे हम अंदर आ गए थे। हमने फर्स्ट टाइम स्लॉट में ही आ गए थे क्योंकि हम मॉर्निंग में आए थे। और यहाँ पर हमने देखिए चेंज कर लिया अपना सब। यहाँ पे ये आपको जैकेट, बूट्स और ग्लव्स देते हैं। अब हम यहाँ पर अंदर आ गए हैं और ये देखिए, लावण्या की एक्साइटमेंट शुरू हो गई। उससे लग रहा है कि यहाँ पे ये स्नो दिख रही है, मुझे इसको उठाना है और एक दूसरे के ऊपर फेंकना है। और यहाँ पे आप पीछे बैकग्राउंड में देखिए, लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये ग्लव्स की वजह से उठा नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन कोशिश भरपूर थी। फिर ग्लव्स उतर गए थे, फिर दोबारा पहनाए थे मैंने। और अब ये लोग यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं स्नो को। तो विहान कुछ समझा रहा है कि देखो, इसको ग्लव से ही रख के उठाते हैं, ग्लव्स नहीं उतारते हैं। अब ये लोग यहाँ पर मस्ती करने में लगे हुए थे। मैं उन्हें समझा रही थी कि ये देखो, ऐसे करके फेंको और एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना, टोपी नहीं उतारना। तो ये सब चीज़ें समझाया जा रहा था इन बच्चों को। और यहाँ पे ये बहुत ही ओबीडियंट बच्चे बने हुए थे। इन्होंने ना अपना ग्लव्स उतारे इसके बाद, ना अपनी टोपी उतारी और आराम से ये खेलने में लगे हुए थे। क्योंकि स्नो थी तो बहुत ठंडा था, ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते। इनफैक्ट बड़े भी फुल प्रोटेक्शन के साथ रहे तो ही बेटर है। तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम था, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंड। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई हिल स्टेशन में आ गए हों। तो यहाँ पर काफ़ी मज़े कर रहे थे बच्चे। बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा था स्नो और इनफैक्ट मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। थोड़ी छोटी जगह ज़रूर है, बट हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। क्योंकि जिन्होंने देखी नहीं, उनके पास कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ पर भी उतना ही इंजॉय करेंगे। और अब हम आगे बढ़ रहे थे, ये सब बच्चे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कार्ट के पास फ़ोटो खिंचाने में कितने सारे लोग पीछे हमारे थे। और यहाँ पे ये देखिए, मिश्का यहाँ पे देख रही थी कि ये क्या लगा हुआ है। और ये सब बच्चे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैंने आपको टिकट के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। विहान का टिकट बस नहीं लगा था क्योंकि उसकी हाइट 3 फिट थी, तो उसका टिकट नहीं लगा था। उससे ऊपर की हाइट होती तो उसका भी टिकट लगता। तो यहाँ पे हर किसी का 1000 रुपीज़ टिकट है, उसमें आपकी ड्रेस और सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर आप आकर मज़ा कर सकते हैं। और 1000 रुपीज़ ठीक भी है अगर एक दिन का एक्सपीरियंस लेना है आपको तो।
और यहाँ पे ये देखिए ये बच्चे फिर से स्नो, इनको बस यही था कि बस हमें स्नो अपने ऊपर उठानी है और एक दूसरे के ऊपर मारनी है, बस ये इनका एक टारगेट चल रहा था यहाँ पर। और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी और आगे स्लाइडिंग वगैरह भी थी स्नो के लिए, आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते थे। तो वो हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम चारों ही बैठे हुए थे, तो फिर कैप्चर नहीं कर पाए उस मोमेंट को। बट हाँ, यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। और यहाँ पे इग्लू भी था जिसके अंदर हम गए थे, बट उसमें ठीक से वीडियो नहीं बन पा रही थी। बट स्टिल वहाँ पे भी आप अंदर जा सकते हैं, बच्चे ये अंदर गए थे वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे ये खेलने में लगे हुए हैं इसके साथ। और यहाँ पे मेरे को शॉवल भी मिल गया था, तो मैंने उसे उठा के थोड़ा सा पोज किया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे आइस स्केटिंग भी होती है, तो जिनको आइस स्केटिंग आती है वो आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये प्रॉप्स भी रखे हुए थे, सील थी और यहाँ पर एक कार्ट भी रखा हुआ था, और काफ़ी अच्छी लग रही थी सील देखने में। और ये देखिए ये बच्चे फिर यहाँ पर शुरू हो गए एक दूसरे के बर्फ़ मारने के लिए। और ये देखिए ये है आइस स्केटिंग एरिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने कहा लाओ अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बर्फ को ऊपर उछालते हैं। तो मैंने कहा, फिर लवण्या ने मुझसे कहा कि मुझे भी दो, तो मैंने उसे बर्फ़ दी थी थोड़ी सी। और एक्चुअली इनके ग्लव्स पड़े थे इनके हाथ से, इसलिए ये ठीक से आ नहीं पा रही थी इनके हाथ में ये बर्फ़, लेकिन फिर भी ये फुल इन्जॉय करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर ये देखिए कितना मज़ा कर रहे थे। मैं एक और बात आपको बता दूँ गाइस कि विहान की ना स्टार्टिंग में बूट्स थोड़े से बड़े आए थे, वो कंफर्टेबली नहीं चल पा रहा था, तो मैंने तुरंत जाके चेंज किया। तो अगर आप भी यहाँ पर आए और आपको ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उन बूट्स के साथ या ग्लव्स जो भी आपको मिला है, तो आप उसको तुरंत चेंज करा लो, वो चेंज कर देते हैं आराम से। अब हम आगे बढ़ रहे थे और ये देखिए यहाँ पे ये लेज़र लाइट इफ़ेक्ट फुल यहाँ पर था। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था, इमेजिन ऐसे कराया गया था जैसे बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा हो, तो यहाँ पर ये इमेजिनेशन चल रही थी। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ थी, यहाँ पे थोड़ा सा चलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक बर्फ़ थी यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और ये बच्चे तो भाई ऐसे लग रहा था जैसे कि एकदम प्रो ही हो इन चीज़ों में, और तो इनको हिल स्टेशन ले जाने में अब आसानी होगी, इनका एक्सपीरियंस हो गया है। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे विहान के पापा भी आ गए और इन्होंने कहा कि लाओ मैं भी बर्फ़ उछालूँगा। और ये तो भाई बिना ग्लव्स के ही उछाल रहे थे बर्फ़, फिर इनको ठंड लगी, फिर इन्होंने ग्लव्स पहने हैं। फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को देख के कह रहे थे मैं भी क्यों पीछे हट जाऊँ, मैं भी यहाँ पे बर्फ़ से खेलूँगा। तो यहाँ पे ये सारे लगे हुए थे बर्फ़ से खेलने में, और ये काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस लग रहा था। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अगर आपने भी बर्फ़ नहीं देखी हमारी तरह कभी भी, तो आपका भी अगर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इट्स नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। अब जिन्होंने बर्फ़ माउंटेन्स में देखिए उनके लिए हो सकता है ये बोरिंग हो, बट फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट्स नॉट बैड। सो होप सो गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।